हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे सी टैग चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए पावर पॉइंट का वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आप लोगों को केवीसी का गेम डिजाइन करके बताऊंगा कि आप किस तरह से केवीसी की गेम जैसा डिजाइन कर सकते हैं पावर पॉइंट में। और आप यदि स्कूल में टीचर हैं, आप छोटी क्लासों को जैसे कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लासों को यदि आप पढ़ाते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा है। आप इसे देखकर काफी ज्यादा अपने क्लास को स्मार्ट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए और पावर पॉइंट को ओपन कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आप इसे 7 में या फिर 8, 10 जिसमें भी बनाना है आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से जो है बॉक्स को इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं और आप इसे स्लाइड को रहने देते हैं, चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं। यदि बहुत सारे पेज बनाना है तो आप यहाँ पर न्यू स्लाइड करके बहुत सारे पेज बना सकते हैं। न्यू स्लाइड पर क्लिक करके तो मैं इस स्लाइड को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि एक पेज में ले लिया और सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ से इंसर्ट पे और यहाँ से एक लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स या फिर यहाँ से इस तरह से लेता हूँ राउंड रेक्टेंगल, इसको इस तरह से क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और इसमें टाइप कर देता हूँ 5000 रुपये, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है वो 5000 रुपये का है इसलिए, और इसे यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। जो भी डिजाइन देना हो फॉर्मेट पे जाके आप इसे डिजाइन दे दीजिए। इसे सेंटर पे रख लेते हैं, फिर एक और इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ से लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से और यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जो टाइप करते हैं, तो क्वेश्चन टाइप कर लीजिए, इसे आप क्लिक कर रहे हैं और फॉर्मेट पे जाइए और जो आपको डिजाइन देना है आप हेडिंग का दे सकते हैं। तो मैं इसे दे देता हूँ ब्लैक और इसे यहाँ से होम पे जाकर इसे बड़ा कर लीजिए और सेंटर में रखना है, आप सेंटर में रख लीजिए। तो हमने इसे टाइप कर लिया, उसके बाद इंसर्ट पे जाकर यहाँ से इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ ए एल, क्लिक करता हूँ फॉर्मेट पे जाके इसे ये डिजाइन देता हूँ और इसे यहाँ से छोटा कर लेता हूँ और इसको 4 कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके और इसे 4 कॉपी बना लेता हूँ। इस तरह से और इसमें बी में ऑप्शन है, उसके बाद में सी में अलग और डी में अलग। तो फ्रेंड्स अपने हिसाब से इसे हम साइज बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करके इसे बड़ा कर लेते हैं, सेंटर में से रखना सेंटर में रख लेते हैं इसे भी और साइज और बड़ा कर लेते हैं इसे भी, सबको इक्वल कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन बना लिया, अब इसे हमें इफेक्ट सेट करना है। जैसे कि हम पहले प्रेस करें तो 5000 आए, फिर इसके बाद क्वेश्चन आए, फिर इसके बाद में देखिए था कैसे कैसे। तो चलते हैं यहाँ पर एनिमेशन पे और सबसे पहले एनिमेशन पे 5000 को सेलेक्ट करते हैं और ऐड एनिमेशन पे जाते हैं और मोर इंटरेस्ट पे क्लिक करके इसे यहाँ से जूम सेलेक्ट कर लेते हैं ओके। उसके बाद में इसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाते हैं मोर इंटरेस्ट इफेक्ट और जूम, सब में एक जैसा लगाएंगे ताकि अच्छा लगे देखने में। और फिर इन चारों को एक साथ में लाना है, तो क्या करना होगा, सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और चारों को सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड एनिमेशन मोर इंटरेस्ट और यहाँ से जूम ओके। और जो राइट आंसर है उस पर क्लिक करेंगे फिर से जैसे CPU और ऐड इफेक्ट ऐड एनिमेशन और मोर इंटरेस्ट इफेक्ट और यहाँ से जो हमें देना है कलर, जैसे कलर देखिए यहाँ पर आएगा ग्रीन करना है, तो इसको हम क्लिक कर लिए, उसके बाद ओके कर दिए ठीक है ओके हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स अब चलते हैं एनिमेशन पैनल पे, किसी को सेलेक्ट करते हैं और एनिमेशन पैनल मिलेगा, तो यहाँ से हम सभी को जो टाइमिंग है उसे नॉर्मल कर देंगे, मीडियम कर देंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ का जो बॉक्स लेंथ है सबका बराबर हो चुका है, टाइमिंग इसका बराबर है सबका। उसके बाद में हमें फ्रेंड्स साथ में एक डिजाइन लगा लेते हैं बैकग्राउंड का, तो चलते हैं डिजाइन पर और बैकग्राउंड स्टाइल और यहाँ से इसे लगा लेते हैं ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि बस यहाँ से प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड के फंक्शन की से F5, तो बिल्कुल ब्लैंक शीट रहेगा इस तरह से। शीट के बाद आप सीधे पहले एंटर कीजिए, एक बार एंटर प्रेस कीजिए तो आपके सामने आएगा 5000 रुपये का क्वेश्चन जैसे आता है। उसके बाद में जैसे ही एंटर कीजिएगा
तो क्वेश्चन आ जाएगा द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, उसके बाद में एंटर कीजिएगा तो चार ऑप्शन आएगा, इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है, ए बी सी या डी। उसके बाद में फ्रेंड्स जैसे ही आप लास्ट में एंटर करते हैं तो जो सही रहेगा जो हमने सेट किया है वो ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने स्कूल्स वगैरह में और कहीं भी बना सकते हैं कहीं भी क्लासेस वगैरह कराने के लिए, तो क्योंकि प्रॉपर तरीके से केबीसी की तरह तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक मैच करता है क्योंकि इस पर लेफ्ट टाइमिंग शो नहीं कर रहा। उसके बारे में सोच रहा हूँ, देखता हूँ कोई ऑप्शन निकले तो देखिए स्केप करते हैं। यहाँ से और भी बहुत सारे डिज़ाइन आप कर सकते हैं, फॉर्मेट पे जाके अलग अलग स्टाइल है वो सब लगा सकते हैं। तो ये सिंपल वीडियो था, इस वीडियो के लिए किसी हमारे फ्रेंड ने ही हमें ऐसे कमेंट किए थे कि मुझे इस तरह का बताइए डिज़ाइन कि किस तरह से आप बना सकते हैं पावर पॉइंट में। फ्रेंड्स बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके जाइएगा और साथ में यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।